व्हाट्स अप लेजेंड्स, मेरा नाम है सुयोग पाटिल और आप देख रहे हैं लेजेंडरी गेमर। और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये एक सुहानी रात है जैसे कि आप बाहर देख सकते हैं। जी हाँ, और मैं खेल रहा हूँ RTX सर्वाइवल मोड में। तो मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मेरे गांव के बारे में। इस गांव, तो ये मेरा वर्ल्ड नहीं, मेरे छोटे भाई का वर्ल्ड है। और उसने इसमें इतनी प्रोग्रेस की हुई है, वो उसे खोना नहीं चाहेगा। सो आई एम गोना डू अ प्रैंक ऑन हिम दैट आई एम गोना प्लेस TNT अंडर हिज वर्ल्ड। और उसके घर वगैरह के नीचे मैं डिग आउट करके यहाँ पे TNT रख दूँगा। और ये जो चेस्ट है इसके अंदर मैं रख दूँगा खाली, मतलब इसके नीचे हम TNT लगा देंगे। तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई इस चेस्ट में देखियो, इसमें बहुत सारा माल है। लेकिन जैसे ही वो इसको खोलेगा, नीचे TNT हो जाएगा एक्टिवेट और पूरा का पूरा वर्ल्ड फट जाएगा। सो गाइस, दिस इज गोना बी द प्रैंक एंड वी आर गोना सी हिज रिएक्शन नाउ। और जो TNT बनाने के लिए जो सामान लगता है, गन पाउडर एंड सैंड, वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा डेजर्ट है, ये एक मिस्टिकल डेजर्ट है। इसमें मतलब विचेस ने ऐसा एक कर्स किया है यहाँ पे कि मतलब इतने सारे क्रीपर यहाँ पे स्पॉन होंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लेट्स गो, हम थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। और मुझे पार्कौर करके इनको ना थोड़ी पहले गांव से थोड़ा दूर ले जाना होगा। आ जाओ क्रीपर्स, क्रीपर्स, कमॉन कमॉन कमॉन। मैं इनको अपने यहाँ पे ले जा रहा हूँ। जाओ बहुत सारे वो आए। ओ भाई साहब, कितने फट रहे हैं, कितने सारे फट रहे हैं गाइस। सो लेट्स कैन सी गाइज, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। कम ऑन क्रीपर, लेट्स प्ले अ गेम, फेयर गेम। जब फटना है तो फट जा, बस मुझे थोड़ा सा गन पाउडर दे दे। तो गाइज, मैं यहाँ पर थोड़ा सामान इकट्ठा करता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ सामान इकट्ठा करने के बाद। सो गाइज, आई एम बैक। और अब आप देख सकते हैं मेरी इन्वेंट्री में, तो मैंने पूरी रात क्रीपर्स मारे और सैंड की थोड़ी बहुत माइनिंग की। और देख सकते हैं दिन हो चुका है और वो अभी सुबह सुबह खेलने गया है। तो लेट्स प्रोसीड टू आर प्लान। मेरे पास पिकेट होगी, ये डिग आउट करना, और डिग आउट करके मुझे इसकी पूरा पूरा TNT से बना। अब प्लान चेंज है, तो अब चेस्ट में इतना सारा सामान है, तो मुझे इस चेस्ट से दूसरी चेस्ट में इसे ट्रांसपोर्ट में टाइम लगेगा। तो अभी हम इस चेस्ट के नीचे TNT रखेंगे, क्योंकि ये चेस्ट TNT है। सो ये मैं पिकैक्स निकाल लेता हूँ, यहाँ पे पूरा पूरा माइन कर देते हैं हम।
सो गाइस अब मेरी टेस्ट स्कोर 90 एक मिनट उसके पास शवल होगा तो मैं शवल भी देख लेता हूँ शवल 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 उसके पास शवल नहीं है गाइस जाने दीजिए थोड़ा बहुत अपने यहाँ पे मारने कर लेता हूँ तो गाइस मैंने बहुत सारी माइनिंग कर ली यहाँ पे ओह माय गॉड उसके बिल्कुल चेस्ट के नीचे से यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फिल कर देता हूँ ये नाइस गाइस आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रूम मैंने उसका एम्प्टी कर दिया है यहाँ पर से मैं अब हम क्राफ्ट कर लेते हैं बहुत सारे के सारे टीएनटीज देख सकते हैं आप बहुत सारे टीएनटीज यहाँ पर बन चुके हैं 41 टीएनटीज तो लेट्स प्लांट सारे यहाँ पर मैंने तोड़ दिया गलती से गाइस पूरा का पूरा टीएनटी टीएनटी से भर दिया यहाँ पर यहाँ पर रख देंगे हम ये अब उसने पूरा एरिया कवर किया था ये सैंडस्टोन से तो हम भी यहाँ पे जैसे का वैसा सैंडस्टोन रख देते हैं ताकि उसको ज़रा भी शक ना हो कि उसकी पूरी पूरी ज़मीन के नीचे यहाँ पे टीएनटी है ये जो वाली भी तोड़ देते हैं यहाँ पर भी टीएनटी ओके सो आई विल मीट यू आफ्टर आई प्लान प्लांट ऑल द टीएनटीज सो गाइस अब मैंने उसका पूरा का पूरा घर टीएनटी से भर दिया है और ये रहा वो चेस्ट इसके नीचे देखो टीएनटी अगर वो इसके बारे में पूछेगा तो ये रेड लाइन क्या है तो मैं उसे बोल दूँगा कि इसके नीचे मैंने यूँ ही डेकोरेशन के लिए रेड कंक्रीट रख दिया है डेकोरेशन के लिए तो असल में इसके पूरा का पूरा नीचे आप देख सकते हैं टीएनटी भरा हुआ है पूरा नीचे तक टीएनटी है तो मैं फिल कर देता और वो देख के ही इन्वेंट्री में देख के ये उसे पता नहीं चलना चाहिए इसलिए मैं फटाफट से जा कर के इसे किसी और घर में फेंक देता हूँ यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं जाके तो इस गड्ढे इस घर में फेंक देते हैं ये काफ़ी दूर है वो अपने घर से यहाँ तक नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर इसे फेंक देता हूँ ओए 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 ये कहाँ से आ गया ओके अरे यार ये टीएनटी भी ना बड़ा ढीठ है ओके डन तो गाइस पूरी तरीके से अब उसका घर जो है उड़ने वाला है देख सकते हैं आप आरटीएक्स मोड में भी चांद के नज़ारे भी आप बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं यहाँ पर उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे अभी तो वो खेलने गया है टेरेस पे तो उसके आने के बाद का वेट
मुझे है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उसका रिएक्शन देखना है, उसका रिएक्शन देखना है। सो लेट्स गो इन, और मैं आपसे मिलता हूँ मेरा भाई घर पे आने के बाद। सो गाइस माय ब्रदर इज़ हियर, तो भाई हाय बोल सबको। गाइस, सो गाइस ही इज़ हियर, और उसे हमारे प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं पता। प्लान के बारे में बात, अरे मैं उसी प्लान के बारे में बात कर रहा था। मैं कल रात तेरे बोर्ड में माइनिंग करने के लिए गया था। अच्छा सच में? हाँ, और मैं सोच रहा था, पहले मैंने जब बोर्ड के गया था इतनी सारी ये हड्डियाँ थी, अब एकदम जीरो हो गई है। ओके, सो मैंने तेरे लिए डायमंड्स के ब्लॉक्स ढूंढे, डायमंड ब्लॉक्स एंड एमराल्ड ओर्स। वाओ, सो और वो सब मैंने इस चेस्ट के अंदर रखा है। ये रेड सी लाइन लिख रही है। अरे वो मैंने डेकोरेशन के लिए, वो नीचे रेड कलर का कंक्रीट लगाया है मेरा। अच्छा, फिर दूसरे इंसान क्यों लाइन लगा? अरे वो कंक्रीट कितना महंगा हो गया है मार्केट में, पता है कंक्रीट का भाव? समझ सकता हूँ। 4 रुपए हो गया है कंक्रीट, समझता नहीं है ये है। चल मुझे ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूँगा। ठीक है, रुक जा। सबसे पहले मैं फैंस को कुछ कहना चाहूँगा मेरे, और तुझे भी कुछ कहना है कि प्लीज़ गुस्सा मत होइयो। एंड फैंस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, एंड चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो आज अकेले भी एंजॉय करना, लॉकडाउन है तो सबको एंजॉय कराओ। शेयर कर दो यार वीडियो को, शेयर कर दो एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। और भाई के जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो स्पेशल वीडियो आ रही है। ओके, तो जल्दी से 1K सब्स कर दीजिए और स्पेशल वीडियो आ जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू। भाई दबा दे बटन, दबा दे, चेस्ट ओपन कर दे। गाइस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ओ यार मेरे हाथ में देना यार, प्लीज। ठीक है, ले। ओके, सो गाइस लेट्स सी हिज रिएक्शन नाउ। ओए टीएनटी, क्या तूने नीचे टीएनटी रखा था? ये बस एक प्रैंक था। मैंने बस तेरे साथ कोई प्रैंक करना था यार। वीडियो कट, तूने अच्छा सा 10 मिनट का कंटेंट दे दिया मुझे यार। ओ भाई, आप सिर्फ मेरा ही वर्ल्ड नहीं गया है, आपका भी जाने वाला आपका। सो यार कुछ बोल ले, फ्री है। हाँ तू मेरी वर्ड की चिंता मत कर, तेरा वर्ड देख ले। गाइस आप देख सकते हैं, वैसे तो मेरे पास इसका वर्ड सीड भी है, वो देख सकते हैं आप। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सीड रखा था। तू शांत बैठ अभी। गाइस उस वर्ड की अब मुझे दशा देखनी है, उसके घर का क्या हुआ होगा। लेट्स चेक अप। सब गया तो सब गया तो क्या? मैंने मेहनत से आयरन ओर ढूंढ के लाई थी। भाई तो आयरन ओर पे कुछ रखा है? आयरन मेरे पास डायमंड्स है। ठीक है भाई, डायमंड्स है वो ठीक है, पर आयरन ओर पे जाने दे। देखते हैं अब इसका घर कहाँ पे गया। हो भाई साहब, इतना क्या किया भाई साहब? ठीक है, अच्छा ठीक है, मत छोड़ना, पहले पकड़ तो ले। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है तो बाद में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।